परी की जादुई दो नेल पॉलिश। एक बार की बात है, कृष्णापुर नाम के एक गांव में नैना और आरती नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। पिता राजकुमार के गुजरे अभी कुछ ही साल हुए थे। पिता के गुजरने के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। नैना आरती से उम्र में बड़ी थी। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान रहती थी। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी सौतेली माँ दोनों बहनों से बहुत सारा काम करवाती थी। नैना आरती को ज्यादा काम करने नहीं देती थी, क्योंकि आरती अभी छोटी थी। उनकी सौतेली माँ उनको पहनने के लिए भरपूर कपड़े तक नहीं देती थी। एक बार की बात है, आरती अपनी बड़ी बहन नैना से कहती है, दीदी आप पूरा दिन पानी में काम करती रहती हो। माँ ने हम दोनों को बस एक स्वेटर दे रखा है, लेकिन आप अपना स्वेटर भी मुझे ही पहना देती हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो आप बीमार पड़ जाओगी। कोई बात नहीं आरती, मैं बड़ी हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन तू नहीं कर पाएगी। लेकिन दीदी। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, दोनों स्वेटर तू ही पहन कर रख, समझी। उन दोनों बहनों की बातें उनकी सौतेली माँ सुनीता सुन रही थी। सुनीता को इन दोनों बहनों का प्यार एक नज़र नहीं भाता था। वो दोनों बहनों से बहुत चिढ़ती थी। उसे इस बात से भी बहुत दिक्कत थी कि वे दोनों एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करती हैं। वो कहती है, आहा, एक बहन को दूसरी बहन पर बहुत प्यार आ रहा है। अब तुम एक काम करो, मैंने जो तुम दोनों को एक एक स्वेटर पहनने को दिया है ना, वो भी मुझे वापस कर दो, समझी तुम। इतना कहकर सुनीता उन दोनों से वो स्वेटर भी छीन लेती है। दोनों बहनों को ठंड में बिना स्वेटर के रहना पड़ रहा था। वे दोनों को ताजा खाना भी खाने को नहीं देती थी। वे दोनों बहनें हमेशा दो तीन दिन पुराना खाना ही खाया करती थी। एक बार की बात है, ठंड के कारण आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आरती की खराब तबीयत देख नैना चिंता में पड़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, माँ ठंड के कारण आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, प्लीज माँ दो तीन दिन उसको गर्म खाना दे दो और एक स्वेटर दे दो ना, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं तो मेरी बहन को कुछ हो जाएगा, प्लीज माँ मना मत करना प्लीज। नैना की बात सुन उसकी सौतेली माँ इतराते हुए कहती है, अब तो इतना गिड़गिड़ा ही रही है तो चल ठीक है, मैं तेरी बहन को एक स्वेटर दे देती हूँ, लेकिन मैं उसको कोई ताजा खाना वाना नहीं देने वाली, समझी। इतना कहकर नैना की माँ आरती के लिए एक स्वेटर दे देती है। स्वेटर लेकर नैना आरती के पास जाती है और उसे पहना देती है। उसके बाद में किचन में चली जाती है। आज उसकी माँ ने हलवा बनाने के लिए कहा था। हलवा बनाते बनाते नैना के मन में ख्याल आता है, एक काम करती हूँ, थोड़ा ज्यादा हलवा बना लेती हूँ और चुपके से आरती को खिला दूंगी। ऐसा सोचकर नैना थोड़ा ज्यादा हलवा बना लेती है और चुपके से ले जाकर अपनी छोटी बहन आरती को खिला देती है। इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है और धीरे धीरे आरती की तबीयत में सुधार आ जाता है। एक दिन सौतेली माँ नैना को आवाज लगाते हुए कहती है, ओ नैना की बच्ची कहाँ गई? मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा तेल गरम करके मेरे हाथ पैर में मालिश कर दे। अभी आई माँ। उसके बाद नैना अपने सौतेली माँ के लिए तेल गरम करके हाथ पर मालिश करने लगती है। अरे वाह कलमुही, जो भी कहो तेरे हाथों में तो जादू है, मेरे तो सारे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। शुक्रिया माँ। तुझे एक बात पता है, पूरे दो साल के बाद मेरी बेटी सोनिया हॉस्टल से घर आ रही है, बड़े दिन हो गए थे उसे देखे हुए, इसलिए मैंने उसे यहीं पर बुला लिया। अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मैं दीदी के आने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। हाँ हाँ, खाना तो तू वैसे भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है, बना लियो अच्छा अच्छा खाना। आज पहली बार सुनीता ने नैना से अच्छे से और प्यार से बात की थी। नैना को बहुत खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ के दिल में उन दोनों बहनों के लिए प्यार उमड़ रहा है। यही सब सोच कर नैना सुनीता से कहती है, माँ आज मुझे आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे माँ एक बात कहूँ,
हाँ हाँ बोल, क्या बात है? माँ, इस पूरे घर का काम करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। मैं सारा काम अकेली ही संभाल लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आप क्यों ना आरती का दाखिला स्कूल में करा दें। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है माँ, और वैसे भी घर का सारा काम तो मैं करती ही हूँ ना, और वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो सही रहेगा। नैना की ये बात सुन सुनीता गुस्से से मारे तिल मिला जाती है और नैना को लात मारते हुए कहती है, तुम जैसे बेशरम लोगों के अंदर यही कमी होती है कि दो चार बात प्यार से क्या बोल दो, तुम लोग तो सर पर चढ़ जाते हो। बड़ी ही अपनी बहन को पढ़ाने वाली, अपना गंदा सा चेहरा लेकर चली जाओ यहाँ से। नैना आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। उसे इस बात का बहुत दुख पहुँचता है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। उसी शाम सुनीता की बेटी घर आती है और नैना सोती ही रह जाती है। अपनी बेटी को देख सुनीता बहुत खुश होती है। अरे वाह बेटी, तू आ गई, तुझे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, मैं तो आराम से आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ और आप फटाफट से खाना लगवा दो। इतना कहकर सोनिया नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ सुनीता नैना को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे नैना कहाँ है, जल्दी जल्दी टेबल पर खाना लगा दे। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर नैना हड़बड़ी में उठती है। अरे मेरी तो आँख लग गई थी, इस कारण मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। अगर ये बात माँ को पता चली तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगी। नैना फटाफट आरती को लेकर किचन में जाती है और दोनों बहनें जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। तब तक सोनिया फ्रेश होकर आ जाती है और वो देखती है कि टेबल पर अभी तक खाना नहीं लगा। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, माँ मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, उसके बावजूद अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा है। आपको पता था ना कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आपने खाना बनवा कर नहीं रखा है। अरे मेरी बच्ची तो गुस्सा मत कर, मैं अभी किचन में जाकर देखती हूँ। सुनीता किचन में जाकर देखती है और वो देखती है कि अभी तक खाना बन ही रहा है। ये सब देख सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, अरे करमचली, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी बेटी आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना लियो। लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आती है ना, तुझे मैं अच्छा सबक सिखाती हूँ, रुक तो दो मिनट। इतना कहकर सुनीता किचन से बाहर जाती है और अपनी बेटी को मनाते हुए कहती है, मेरी बेटी तू बस 10 मिनट इंतजार कर ले, खाना बस बनने ही वाला है। मैं नहीं करने वाली कोई इंतजार, मैं जा रही हूँ बाहर से खाना खाने। इतना कहकर सोनिया गुस्से से पैर पटकते हुए घर से बाहर खाना खाने चली जाती है। सुनीता का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वो गुस्से में किचन में जाती है और खींच कर नैना को 2-4 थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुझसे मैंने इतने प्यार से कहा था कि मेरी बेटी के लिए खाना बना दियो, लेकिन किसी ने सही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आँख लग गई थी, वरना मैं सारा खाना बना देती, मुझसे गलती हो गई माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब देख आरती भी कहती है, प्लीज माँ दीदी को मत मारो, उनसे गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दो। अब बहुत हो गया तुम दोनों का, मैं तुम दोनों को अब इस घर में और नहीं देख सकती, निकल जाओ मेरे घर से। जी आप क्या कह रही हो माँ, अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ वैसे भी ये हमारे पापा का घर है ना कि आपका, जो आप हमें घर से बाहर निकाल रही हो। बहुत जुबान चलने लगी है तुम दोनों की, निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। सुनीता दोनों बहनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। ठंड का टाइम था और दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो दोनों इधर उधर भटकने लगती है। उन्हें भटकते भटकते रात हो जाती है। आरती रोते हुए कहती है, दीदी बहुत भूख लग रही है, साथ में बहुत ठंड भी लग रही है, कुछ करो ना दीदी। मैं क्या करूं मेरी बहन, इतनी रात गई सारे दुकानें बंद हो गई है और हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। दोनों बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। रात को तड़कती भड़कती ठंड का दोनों बहनों को सामना करना पड़ता है। सुबह होते होते आरती की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है। हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रही हो आप हमसे, अगर ऐसा भी चलता रहा तो मैं अपनी बहन को खो दूंगी, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। प्लीज भगवान हमारी कुछ तो मदद करो।
नैना अपने बहन को गोद में उठाकर एक बगीचे में पहुंचाती है और उसे एक टेबल पर लेटा देती है। तभी वहां पर बहुत तेज प्रकाश होता है और एक बहुत खूबसूरत अप्सरा सी दिखने वाली सुंदर परी प्रकट होती है। परी को देख नैना कहती है, कौन है आप? दिखने में तो आप कोई दिव्य शक्ति लग रही हो। हाँ नैना, मैं सिंड्रेला परी हूँ। भगवान ने मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। मैं परियों की देश की रानी हूँ। मैंने देखा कि तुम बहुत संकट में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में आप मेरी छोटी बहन को ठीक कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी छोटी बहन को बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगी। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाली हूँ जिसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ पर दो जादुई नेल पॉलिश प्रकट करती है। एक नेल पॉलिश का रंग लाल और दूसरे नेल पॉलिश का रंग नीला था। नैना, इस लाल वाली नेल पॉलिश को तुम अपनी बहन के नाखूनों पर लगा देना, फिर देखना तुम्हारी बहन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और ये दूसरे वाली नीली नेल पॉलिश की मदद से तुम जितनी चाहो उतना नेल पॉलिश मांग सकती हो। इसकी मदद से तुम खूब तरक्की कर पाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ज्यादा समय तक मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से गायब हो जाती है। नैना जादुई लाल नेल पॉलिश को अपनी बहन के नाखूनों पर लगाती है। उसके ऐसा करते ही आरती बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद वो दोनों जादुई नीली नेल पॉलिश से ढेर सारे नेल पॉलिश मांगते हैं और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। नेल पॉलिश सुंदर होने के कारण तुरंत ही बिक जाती है। नेल पॉलिश बेचकर उन्हें जो पैसे मिलते हैं उससे वो दोनों खाना खरीदकर खाना खाते हैं। गांव के अंतिम छोर पर वो दोनों बहनें अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और उसी में रहने लगती है और रोजाना जादुई नीली नेल पॉलिश से ढेर सारे नेल पॉलिश मांगकर बाजार में बेचने चली जाती है। उन्हें ऐसा करते करते एक साल बीत जाता है और वो दोनों बहुत धनवान हो जाती है और अपने लिए बहुत सुंदर घर बनवा लेती है और साथ ही नेल पॉलिश की बहुत बड़ी दुकान भी खोल लेती है। एक बार की बात है, नैना की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसकी दुकान पर नेल पॉलिश खरीदने आते हैं। वहाँ पर नैना को देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तब नैना कहती है, आपको क्या लगा था माँ कि आप हमें घर से बाहर निकाल देंगी? तो हम भूख और ठंड के मारे मर जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना माँ, जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद खुद भगवान करता है। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने पैसों पर बिल्कुल घमंड नहीं है। अब आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। नैना की बात सुन उसकी सौतेली माँ और बहन का मुंह बन जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इधर नैना अपनी छोटी बहन का दाखिला गांव के सबसे महंगे स्कूल में करवा देती है। उसके बाद वो दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं। फ्रांस राज्य की रानी सुरैया बहुत ही क्रूर और घमंडी थी। वो अपने नौकरों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। सुरैया के खुद के कोई बच्चे नहीं थे। सुरैया राजकुमार अमेंद्र के सौतेली माँ थी। अमेंद्र सुरैया जैसा तो बिल्कुल नहीं था, वो बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव का था। वही राज्य से दूर एक सुनसान जंगल में एक महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी रूहानी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। रूहानी दिखने में जितनी खूबसूरत थी उसका दिल उससे भी ज्यादा साफ था। एक सर्दी की रात को बूढ़ी महिला उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? जी अम्मा, क्यों नहीं, आइए आप मेरे घर के अंदर आ जाइए। ये लीजिए, आप इस आग के पास बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद रूहानी उस बूढ़ी अम्मा के लिए खाना लेकर आती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी महिला बोलती है,
तुम्हें मुझे इस तरह घर में बुलाते हुए डर नहीं लगा? अगर मैं कोई छुड़ैल होती और यहाँ आकर तुम दोनों माँ बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती तो? नहीं अम्मा, आप कोई चुड़ैल नहीं हो। हम दोनों माँ बेटी सालों से इस जंगल में रह रहे हैं और इतने साल जंगल में रहने के बाद हम दोनों ही चुड़ैल की हवा पहचानते हैं। अगर आप चुड़ैल होती तो हम आपको पहले ही पहचान लेते। इतना सुनकर वो बूढ़ी महिला एक खूबसूरत परी में बदल गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत ही बुद्धिमान और दयालु हो। तुमने मेरी सहायता की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी शादी जल्द ही एक सुंदर राजकुमार से होगी। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई। दिन बीतता रहा और जल्द ही सर्दी बसंत ऋतु में बदल गया। उधर राजकुमार अमेंद्र उसी जंगल से गुजर रहा था। वो जंगल में काफी आगे निकल गया और रास्ता भटक गया। तभी उसे रूहानी का घर दिखा। वो उस घर के पास गया तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहाँ बगीचे में जानवरों और पक्षियों के साथ खेल रही है। अमेंद्र को पहली नजर में ही रूहानी से प्यार हो गया। रूहानी ने भी जैसे उस राजकुमार को देखा तो परी के भविष्यवाणी के अनुसार उसे भी राजकुमार से प्यार हो गया और कुछ ही दिनों में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और राजकुमार रूहानी को अपने साथ अपने राज्य ले आया। रूहानी को देखकर राज्य के सभी लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन सुरैया को जैसे ही ये पता चला वो गुस्से से आग बबूला हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक जंगल में रहने वाली लड़की इस शाही महल की रानी कभी नहीं बन सकती। मैं उसे कभी अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारूंगी। उस दिन के बाद से सुरैया का बर्ताव दूसरों के प्रति और भी कठोर हो जाता है। छी, क्या बकवास चाय है। तुम एक कप चाय भी ठीक से नहीं बना सकती। निकल जाओ यहाँ से। पर महारानी, ये चाय तो मैंने छोटी रानी के लिए बनाई थी। ये सुनकर सुरैया उस नौकरानी को जोरदार चांटा जड़ देती है। यहाँ सिर्फ एक ही रानी है और वो सिर्फ मैं हूँ, समझी। नौकरानी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तभी रूहानी उस नौकरानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। छोटी रानी, आप कितनी दयालु हैं। छोटी रानी, अब एक आप ही हैं जो इस राज्य के लोगों को रानी सुरैया के अत्याचार से छुटकारा दिला सकती है। छोटी रानी, जब आप इस राज्य की महारानी बनेंगी तो एक बार फिर से ये राज्य खुशियों से भर जाएगा, बिल्कुल पहले के जैसे जब महाराज जिंदा थे। फिक्र मत करो, अब आप लोगों पर और अत्याचार नहीं होगा। इधर रानी सुरैया के कठोर व्यवहार से हर कोई परेशान हो चुका था। यहाँ तक उसका मंत्री भी अब सुरैया के व्यवहार से दुखी हो गया था। पुरानी रानी का बर्ताव तो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहा है। अब समय आ गया है कि अब रानी को अपनी कुर्सी से हटना होगा और उनकी जगह राजकुमार अमेंद्र और रानी रूहानी को सिंहासन पर बिठाना होगा। क्या कहते हो? अगर ये सब जल्दी से हो जाए तो ही अच्छा होगा। जब ये बात सुरैया को पता चलती है तो वो गुस्से से बौखला जाती है। इन लोगों की इतनी हिम्मत जो मुझे राजगद्दी से हटाने की सोच रहे हैं, ये नहीं जानते इस गुस्ताखी की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुरैया राजकुमार अमेंद्र को राज्य से काफी दूर लड़ाई लड़ने के लिए भेज देती है। तभी इधर राजकुमारी रूहानी एक साथ दो जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। उन बच्चे को परी से वरदान मिला था कि जब वो हंसेंगी उनके मुंह से हीरे मोती निकलेंगे। सुरैया ने बड़ी ही चालाकी से एक जादूगिरनी की मदद से पानी में विष मिलाकर रूहानी को पिला देती है, जिसे पीकर रूहानी लंबे समय के लिए गहरी नींद में चली गई। फिर सुरैया ने अपनी खास दासी को बुलाया और कहा, इन दोनों बच्चों को ले जाओ और समुद्र में बहा दो। इसे इतने गहरे पानी में फेंकना कि दोबारा इस राज्य में कभी लौट कर ना आ पाए। दासी ने दोनों बच्चों को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। वो टोकरी बहते बहते काफी दूर चली गई और अंत में जाकर वो एक मछुआरे को मिली जो कि नदी के किनारे मछली मार रहा था।
वो टोकरी में दो प्यारे बच्चों को देखकर चौंक गया और बहुत खुश भी हुआ, क्योंकि उस मछुआरे का अपना कोई बच्चा नहीं था। वो दोनों बच्चे को उठाकर घर ले आए और अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी भी उन बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हुई और उन्होंने बहुत ही प्यार से दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। ऐसे ही कई साल बीत गए और वो दोनों बच्चे बड़े हो गए। ये लो, तुम्हें ये खरगोश बहुत पसंद था ना, मैं इसे पकड़ कर ले आया। नहीं नहीं, इसे आजाद कर दो भाई, मैं इसे अपने परिवार वालों से जुदा करके अपने पास नहीं रख सकती। अब चलो घर चलते हैं, माँ और पिताजी दोनों इंतजार कर रहे होंगे। एक दिन दोनों भाई और बहनों ने अपने पिता को अपनी माँ के साथ अकेले में बात करते हुए सुना। कमला, कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि आखिर ये दोनों प्यारे बच्चे आखिर आए कहाँ से होंगे, कौन इसके असली माता पिता होंगे और जाने वो किस हालत में कहाँ होंगे। मुझे अब कुछ नहीं जानना है, अब ये हमारे बच्चे हैं, जो बीत गया उसके बारे में बात मत कीजिए, भगवान ने मेरे लिए ही दोनों बच्चों को मेरे पास भेजा है। ये सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ही चौंक गए और उन्होंने सच का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। अंत में दोनों भाई बहन उस मछुआरे पिता के पास गए और उनसे पूछा, पिताजी क्या सचमुच हम आपको एक टोकरी में नदी में बहते हुए मिले? हाँ बेटा, ये सच है। पिताजी हमें माफ करिएगा, वैसे तो आप ही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर हम कौन हैं और हम दोनों को इस तरह नदी में क्यों बहा दिया गया। लेकिन बच्चों, अब तो तुम हमारे बच्चे हो, क्या तुम हमारा वर्षों का प्यार भूल गए? क्या अब हम तुम्हारे अपने नहीं रहे? माँ, इस पूरी दुनिया में हमें आप और पिताजी से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है, पर जरा सोचिए, दो मासूम से बच्चे को पानी में इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया। जरूर हमारे माता पिता के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, आखिर ऐसे क्या वजह रही होगी, हम बस उसी का पता लगाना चाहते हैं। पर बेटी, हमारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, जब तक वो अपने असली माता पिता का पता नहीं लगा लेगी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, वो चैन से नहीं रह पाएगी, हमें इन्हें जाने देना होगा। उस मछुआरे ने दोनों भाई बहनों के जाने का इंतजाम किया और मछुआरा उसे उसी जगह लेकर गया जहां उसे वो दोनों मिले थे। भाई, हमें सबसे पहले इस नदी से सटे राज्य में ही जाना चाहिए और मुझे यकीन है हम दोनों के हंसने पर जो हीरे मोती निकलते हैं उसे देखकर हमें कोई न कोई तो पहचान ही जाएगा। उसके बाद वो दोनों भाई बहन उस राज्य में चले गए। हालांकि राज्य का कोई भी व्यक्ति ना तो उन दोनों बच्चों को देखा था ना ही उनके बारे में कुछ सुना था, और रूहानी अभी भी नींद में ही सो रही थी, जिस वजह से उसे वहाँ किसी ने भी नहीं पहचाना। दोनों भाई बहन उस राज्य में लोगों के साथ काफी जल्दी घुल मिल गए और गरीब लोगों की मदद भी करने लगे, जिस वजह से वो जल्द ही पूरे राज्य में मशहूर हो गए। साथ ही जब दोनों हंसते थे तो उनके मुंह से हीरे मोती निकलते, ये बात भी राज्य के सभी लोगों को पता चल गया। बहुत ही जल्द रानी सुरैया को भी उन दोनों बच्चों के बारे में पता चल गया। महारानी, मैंने उन्हें अपने आँखों से देखा है, वो यकीनन छोटी रानी के ही बच्चे हैं। वो दोनों अपनी माँ की तरह ही बहुत दयालु है। तो ठीक है, अब उनकी ये दयालुता ही उन पर भारी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना कि आगे क्या करना है? जी महारानी, मैं सब समझ गई। उसके बाद वो दासी एक गरीब औरत का वेश बनाकर दोनों भाई बहन के पास आई और रोते हुए बोली, मैंने सुना है तुम दोनों बहुत ही दयालु हो, फिर क्या तुम इस दुखियारी माँ की भी मदद करोगे? हाँ जरूर, कहिए आपको क्या परेशानी है? मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है और सिर्फ लाल सरोवर का पानी ही उसे ठीक कर सकता है। मैंने सुना तुम दोनों बहुत ही साहसी और बहादुर हो, इसलिए अब सिर्फ तुम ही उस खतरे से भरे जंगल में जाकर वो पानी लाकर मेरी बेटी की जान बचा सकते हो। अरे पहले आप रोना बंद करिए, हम आपके लिए जरूर उस जंगल में जाएंगे और लाल सरोवर का पानी लाकर आपके बेटे को बचाएंगे। बहुत बढ़िया दासी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है,
आज तक उस जंगल से कोई भी बचकर नहीं आया है। अगली सुबह दोनों भाई बहन उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वो जंगल बहुत ही खतरनाक था और वहाँ अत्यधिक गर्मी थी, जिस वजह से दोनों भाई बहनों का गला सूखने लगा। उसके पास पीने का पानी भी थोड़ा ही था। वो जैसे ही पानी पीने वाले थे कि अचानक उसने एक प्यारे से पक्षी को पानी से तड़पते हुए देखा। उन्होंने जल्दी से उस पक्षी को उठाया और उसे पानी पिलाया। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए अब मैं तुम्हें उस लाल सरोवर के पास ले चलूंगी, पर तुम्हें वहाँ ड्रैगन से लड़ना होगा। पक्षी उन दोनों को अपने साथ एक गुफा में ले गया और दोनों को पत्थर से बना हुआ एक कवच दे दिया। जब वो दोनों ड्रैगन से लड़ने उनके पास गए, तो वो खूंखार ड्रैगन डर गया, क्योंकि उस पक्षी ने उन्हें पहनने के लिए जो कवच दिया था, उसमें उसी ड्रैगन की कई सारी तस्वीर नजर आ रही थी। ड्रैगन ने सोचा, लगता है ये मुझसे भी खतरनाक ड्रैगन है और इसके अंदर तो कई सारे ड्रैगन एक साथ हमला करने के लिए तैयार है। डर के मारे वो ड्रैगन वहाँ से भाग गया। तभी वो दोनों गुफा के अंदर गए जहाँ लाल सरोवर था। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे राजकुमार जमीन पर बेहोश लेटे हुए हैं। अरे ये सब कौन है? ये वो लोग हैं जो लाल सरोवर से पानी लेने आए थे और जिन्हें ड्रैगन ने पकड़ लिया था। लेकिन हम इनकी मदद किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। आखिर हम इनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? इनके ऊपर लाल सरोवर का पानी डालो, वो जाग जाएंगे। ये सुनकर दोनों भाई बहनों ने लाल सरोवर का पानी लेकर सबके ऊपर डाल दिया और सब पुनः जाग गए और उन सब ने उनका धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। धन्यवाद प्यारे पक्षी, अगर आज तुम नहीं होते तो हम आज इस जगह कभी नहीं पहुँच पाते। अब हम उस बूढ़ी औरत के बेटे को बचा सकते हैं। कौन सी बूढ़ी औरत और किसका बेटा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे जल्दी से तुम फ्रांस के राजकुमार अमिंद्र के पास ले चलो और लाल सरोवर का पानी रानी रूहानी के ऊपर डालो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद वो दोनों भाई बहन उस महल में गए और वो लाल सरोवर का पानी सोती हुई रूहानी पर डाला। उसके बाद रूहानी होश में आ गई। कौन? मैं कहाँ हूँ? रूहानी मेरी जान, तुम्हें होश आ गया? तुम्हें पता है तुम पिछले 18 साल से सो रही हो और मुझे नहीं पता तुम पर किसने सम्मोहन डाला। मैंने हर तरह के जादूगरों से मदद मांगी लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका, लेकिन इन नौजवानों ने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। राजा रानी का प्यार देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तभी उसके मुंह से हीरे मोती निकलने लगे। ये देखकर रानी बोली, ओह मेरे बच्चों, तुम यहाँ हो? हमारे बच्चे? उसके बाद वो पक्षी राजकुमार अमेंद्र को उसकी सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उनकी सौतेली माँ ने उनके दोनों बच्चों को नदी में मरने के लिए छोड़ दिया और रानी को गहरी नींद में सुला दिया। ये सब सुनकर राजकुमार अमेंद्र बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी सौतेली माँ को ताउम्र कारावास में कैद करवा दिया। आओ मेरे बच्चों, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे और मैं तुम दोनों को अपने से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दूंगा। पिताजी, लेकिन हम दोनों उन्हें अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकते जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा, हमें उनके पास जाना ही होगा। वो इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी वो मछुआरा अपनी पत्नी के साथ महल में आ गया और हंसी खुशी सभी एक साथ मिलजुल कर महल में ही रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।